छाबराभाटा सीताराम मडोली चौरस्ता पास ट्रक ने अड़फट में मौत ने एक विद्यार्थी ने भेटी थी। अकस्मात सीसीटीवी सामने आता अनेक प्रश्न पण उभा थाय छे। शहर विस्तार में बेफाम दौड़ता ट्रक चालकों सामे पुलिस की ढीली नीति ने बदले वधु एक श्रमजीवी परिवार पोतानी दीकरी गुमाव्या होवानुं सामे आवी रह्युं छे। चौथी ने रोज सरकारी प्राथमिक शालाए धोरण सात विद्यार्थी ने घरे जता भरबपोरे ट्रके कचड़ी नाखी। सीसीटीवी में स्पष्ट देखाय छे के जो के मासूम किशोर अकस्मात केस में लगभग 36 कलाक में ट्रक चालक जामीन पर छूटी गयो। अमरोलिया छाबराभाटा में एंटीलियर ड्रीम्स में मजूरी काम करता 42 वर्षीय दीपक भाई पीपलिया जणावे छे के मर्यादित आवक में पत्नी 8 वर्षीय पुत्र ध्यान और 12 वर्षीय पुत्र दिशा नु गुजरान चलावे छे। दिशा छाबराभाटा सरकारी प्राथमिक शाला में धोरण सात में अभ्यास करती। बपोरे समय शाळाए घरे परत पड़ाव तरफ जती होय त्यारे बापा सीताराम मडोली चार रस्ता पासे काळमुखी आईवा ट्रकना चालके अड़फटमां लई तेने कचडी नाखी हती। अकस्मात बाद घटना स्थळ पर दिशानुं मौत निमजी गयुं। भगी गेला ट्रकना चालकने अमरोली पोलीसे गणतरीना कलाकमां शोधी काढ्यो। परंतु दुःखनुं वात ए छे के भर बपोरे जाहेरमां विद्यार्थीने कचडी नाखनार ट्रक चालक झड़पायाना गणतरीना कलाकमां छूटी गयो। हजी तो दीकरीने तमाम विधिओ करवानी बाकी होय त्यारे दिशाने मौतनी चादर उढावनार फरीथी खुल्लामां फरी रह्यो छे। अकस्मात बाद ड्राइवर नु मेडिकल पण न कराव्या होवानुं जाणवा मळे छे। काळमुखी ट्रक नु 2016 मां पासिंग थयुं होय त्यारे पीयूसी फिटनेस सर्टी अने वीमा वगर आ ट्रक रोड पर दोड़ती हती। ट्रक नो 4/11/21 ना रोज वीमो पण पूरो थई गयो हतो त्यारे रविवारे ट्रकनो मालिक ट्रकनो वीमो उतार्यो एटले के रिन्यूअल कराव्युं हतुं। अकस्मात बाद पोलीस स्टेशनमां जब ट्रकना वीमानुं रिन्यूअल पण थई शके ए जाणीने अनेक प्रश्नो अहीं उभा थई जाय छे। न्याय માટે પોલીસ કમિશનરને આવેદન પત્ર આપવાનું આયોજન પણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે દીકરી ન્યાય મળે એ જ એક આશા બચી ગઈ છે। દેવકભાઈની એકની એક પુત્રી દિશાનું રોડ અકસ્માતમાં મોત નિપજ્યું હતું ત્યારે અકસ્માતને દિશાની આંખો સ્વસ્થ હોવાથી માતા પિતા સાથે પીપલિયા પરિવાર દ્વારા સમાજમાં ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી શકાય તેવો નિર્ણય લેવાયો। કતરગામની લોકદ્રષ્ટિ ચક્ષુબેક સંસ્થાને દિશાની આ બંને આંખોનું દાન કરાયું છે અને આ આંખો બે અલગ અલગ વ્યક્તિઓને દાન અપાઈ ગઈ છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ, સુરત।